बैग रेडी हो गया है और मैं जा रही हूँ अपना प्री वेडिंग शूट कराने, घूमने जा रही हूँ बाहर। सब खा रहे हैं, दादी चट करके बैठी हुई है। और राजी नेडा टूटी फ्रूटी का टेस्ट खराब करते हुए अपने गलते उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट से। देखो देख देख के खाओ, नहीं तुम मुंह देखो और दादी खाएंगे तुम मुंह देखोगे। छोटी हो जाएंगे मायके वाले ब्लॉग भाभी के जापे के, वो दिखाएंगे मजे करेंगे खूब। हम जाएंगे फैजाबाद, ठीक है, एक्साइटेड है, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। जा बर्थडे आ रहा है तो प्री वेडिंग डेस्टिनेशन रेडी कर रहे हैं, हम डेस्टिनेशन प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं। गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि डेढ़ास व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो अभी आज तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 1 बजे से क्योंकि अभी काना मिकी के स्कूल के आने का टाइम हो गया है, मम्मी गई है उनको लेने। आज दीदी नहीं गई, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहा धो ली, नाश्ता कर लिया, आज मैं काफ़ी लेट उठी थी क्योंकि जैसे रात मेरे तो बिल्कुल स्लीपलेस नाइट हो रखी है, रात भर वॉशरूम जाना और यहाँ वहाँ भागना, परेशान रहना, बेचैनी रहती है बहुत ज़्यादा, तो मैं सो ही नहीं पाती। सुबह के 3-4 बज जाते हैं, फिर मैं सोती हूँ, फिर कान्हा के लिए फिर उठना पड़ता है क्योंकि वो मेरे से बिना तैयार ही नहीं होता। उसके पापा रेडी करते हैं, रोता रहेगा मम्मा पास मम्मा पास, फिर उसको रेडी करके भेज के तो मतलब लगा लो सुबह के 6 बजे के बाद ही, 7 बजे के बाद जब वो स्कूल चला जाता है तब मैं सो पाती हूँ थोड़ी देर। तो आज तो काफ़ी लेट उठी थी मैं, 9:30 बज गए थे शायद उठने में। फिर अपना नाश्ता वाश्ता कराया, दवाई ली, नहाई धोई, अब करती हूँ ब्लॉग का स्टार्टिंग और चलते हैं अभी दीदी के पास। और ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा प्रिटी सा एकदम सॉफ्ट कॉटन की कुर्ती विद सलवार, रेडीमेड सलवार है इसमें, इसमें पॉकेट है, बहुत अच्छा है ये कलेक्शन ना। मेरे लिए भी आया है और मैंने पहना, ट्राई करा, बड़ा मस्त है। इस टाइप का है, मैंने थोड़ा लूज ही लिया है, इसमें दोनों साइड पॉकेट है, नीचे सलवार है अफगानी टाइप की, ऐसी सलवार मोस्टली हम वेयर करते हैं तो उसी टाइप की सलवार है। तो बहुत अच्छा कलर और प्रिंट है और मैंने काफ़ी बड़ा साइज ले लिया है। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, मैं आगे दिखाऊंगी वीडियो में इसको पूरा ढंग से, अभी मेरे से तो हो नहीं पा रहा। और कल नेल्स हुए थे, कैसे लगे नेल्स कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब फटाफट से रेडी होकर चलती हूँ दीदी से मिलने देखने। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और चलते हैं अब ऊपर। सब ऊपर आ गए, आज इसकी हो गई है थोड़ी गर्मी से हालत खराब। हाँ गर्मी से न हुई, मेरी हुई है डोज, जो मैंने बूस्टर डोज लिया वहाँ से हुई है, मेरी तबियत खराब, हाथ में दर्द और फीवर, गर्मी तो काफी मुश्किल, तो चलो फिर भी कर लेंगे, एसी वैसी चलाते हैं। एसी खराब होगा ना, ठंडा कर रहा, बाहर का कर रहा, यू ना करो अपनी उम्र बता, एसी खराब हो चुका, सर में झुलस रही है एक घंटा ही ना, एसी अब ठंडा कर रहा। क्या कह रही, घनारसी कनारसी कनारसी कनारसी, ये गए ना लगन पे, वो ब्लॉग तो आप देख ही चुके हैं इसका। और ये जा रही है घूमने, हम जा रहे हैं गर्मी में है तो चल जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठंडी के बर्फ बर्फ चपाती कहाँ जा रही घूमने? वो उसके लिए आपको मेरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, मैं कहाँ जा रही हूँ। सस्पेंस तो अभी से चढ़ गया है अपने ब्लॉग बनाने का चस्का, अब ये बनाएगी अपने ट्रैवलिंग। मेरी जो फैन फॉलोइंग है जो मेरे को इतना प्यार करते हैं, जो मैं बोलती हूँ कोई प्यार नहीं करता तो लोग, उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू कर दिया है। अब वो मेरे डेली व्लॉग देखना चाहते हैं तो उनके कहने पर मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि बेचारी का बाहर का काम इतना हो जा तो सोची घर के तो मैं बना ही लेती हूँ, बाहर के घूमने फिरने के जो तो ये करती है। तो अब मेरा काम सारा बाहर बाहर का ही रहे, तो मैं बाहर जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ देखो, तो यही देख मैं कह
घर का तो वो दिखाई दे गया, मैं बाहर क्या कर रही हूँ। मैं सोची मैं चल बाहर का क्या दिखाऊँ, तो मुझे पता है कि लोगों को बाहर का मैं दिखाऊंगी तो अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा मैं दिखाती हूँ जब आपको अच्छा लग रहा है। तो तेरे घूमने वाले व्लॉग आएंगे प्रॉपर भर भर के? कोशिश करूंगी, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। दोनों जा रहे हैं काना, रात भी रात काना ये ना होटल बुक कर रहे हैं, तो वहाँ काना देखो पूल वगैरह की फोटो देख ली। काना कह रहा मैं चल सकता हूँ क्या? मैं भी तो मना, किसने कहा तू अपने आप मना कर दे, अपने आप तू हाँ कर दे। तो फिर कह रहा पूल की फोटो देख के मैं चल सकता हूँ क्या? हमारे कॉस्ट्यूम आ गया, पूल है तू जा। फिर कभी कह देगा मैं आपके फिर नीचे देख लिया वहाँ, ये एक्टिविटी रूम भी है हमें जहाँ हम गए थे वहाँ एक्टिविटी रूम था ये था। मैं तो चल रहा हूँ, तो मैं तो से गए थे चल खुद ही हाँ कर दे खुद ही ना कर दे। अच्छा सुन, अब हम जाएंगे फरीदाबाद, ठीक है? तो गाइज अभी मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आ रहा है। तो उससे पहले पहले ये अपने यहाँ शादी सब निपटा लेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे फरीदाबाद दोनों। कोई मेरे से कल कह रही थी कि प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट जाती नहीं है, बट पता नहीं हमारा तो पहला भतीजा भतीजी जो भी होगा, हम तो एक्साइटेड है, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। ऐसा कुछ ना है, प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट का मतलब है हम दोनों एक टाइम पे प्रेग्नेंट है, हम एक साथ ना है, हम एक साथ जब घर में दो लोग एक साथ प्रेग्नेंट होंगे तो एक साथ रहेंगे या हम बाहर थोड़ी है। ठीक है, अब बाई चांस वहाँ मेरे को कोई दिक्कत हुई तो हमारा अपोलो हॉस्पिटल रास्ते में ही, यहाँ से भी इतनी दूर पड़ेगा और फरीदाबाद से भी इतनी दूर पड़ेगा, दोनों जगह से सेम ही डिस्टेंस है, तो हम वहीं से भाग जाएंगे, सब अवेलेबल है। चलो वो तो अलग बात रही, तो हमारे अब थोड़े दिन में शुरू हो जाएंगे मायके वाले ब्लॉग, भाभी के जापे के वो दिखाएंगे, मजे करेंगे खूब। गर्मियों की छुट्टियां जैसे कि पड़ने ही वाली है, कोविड अपनी पीक पे जा रही है हर साल की तरह, पर इस बार हमारा लॉकडाउन मायके में जाएगा, ठीक है? तो उससे पहले तू मेरे दो तीन काम कर, तू जा रही घूमने निकल रहे, मेरा प्री बेबी शूट की बुकिंग करेगी तू बढ़िया सी, ठीक है? ठीक है, जैसे कहाँ से कर रही है? मैं नंबर ले लूंगी कल, शालू आई कई वास ले लूंगी नंबर, क्या करे। तो गाइज मैं करवाने वाली हूँ अपना प्री बेबी शूट, मैंने नेल आर्ट करवा लिया उसके अकॉर्डिंग, ये रहा ये बॉय का है और ये है गर्ल की, करवा के रहूँगी मैं, पर गर्मी इतनी है मेरा मन ना करवा क्योंकि वो घर पे तो होएगा ना, दो तारीख के बाद बारिश बता रहे, बारिश शुरू हो जाएगी दो तारीख के बाद, न्यूज़ बता रहे। अच्छा, तो फिर शायद मैं करा, थोड़ा सा शाम के टाइम करवाइए ना, लोकेशन ऐसी है ना वो। अच्छा, किसी ने करवाया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कैसा कैसा रहता है एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारा तो फर्स्ट ही है, हमने गाना मीर टाइम पता है कुछ करना है, पर अब सोच रहे हैं कि कर ही लें। तो गाइस बच्चे आ गए स्कूल से और आके आज ही लेके आए हैं छोले कुलचे, स्कूल के बाहर दिखे ना तो जिद करके लेके आए मिकी, और अभी वही खाने हैं आके, मैंने इसको नहला दिया पहले तो, इतना गंदा चिपचिपे होके आते हैं, कैसा लग रहा है नहा के? गंदा रखता है ये, तो बहुत ज्यादा साफ सफाई वाला बच्चा है, मतलब काना को तो बहुत ज्यादा सफाई चाहिए, हाइजीन एकदम, कहीं भी थोड़ा गंदा होता ना इसे बहुत बेकार लगता है, बाकी कह रहा है नहला दो नहला दो, फिर नहाया है अब खाना खा रहा है, और मिकी चला गया ऊपर खाना खा के अपना लेके। तो ये मेरा लंच है, सुबह खा ली थी, आज बनी है कटहल की सब्जी, ज़्यादा किसी ने खाई नहीं पता नहीं, थोड़े से एप्पल हैं, एक रोटी है, नींबू पानी है, छाछ काज मन नहीं था, और वहाँ रखे हैं कान्हा के मैंगो, लंच इसने कर लिया छोले कुलचे का, ट्राई कर रही थी मैं कुछ भी, कटहल की सब्जी बनी है, रोटी रखी खाएगा, और मैंने सोचा सर इसकी ही भेलपुरी बना के देख लेते हैं, खूब सारा अमचूर चाट मसाला प्याज टमाटर थोड़ा सा पुदीना हरा धनिया ये सब डाले, और सब बहुत अच्छा टेस्ट आया चटपटे से, चाय के साथ आप इसको ले सकते हैं इवनिंग स्नैक टाइम पे। तो चल दिखाओ क्या लाई है, देख रही है चाय बना, पहले चाय पिया, चाय तो क्या लगा दी, खोल के दिखाओ पहले, कौन कौन ये यहाँ के लिए ना, मेरा बैग कपड़ा गिर जाएंगे,
बाहर ही कपड़े अभी तो जिन्हें पता भी चाहे ना उनको तो लाओ मत और छोटी बेबी को तो बाल्टी चाहिए यू चाहिए वहां तो कुछ हो भी वहां एवेंजर की ड्रेस पहना कहीं कर दे कुछ भी ना भाई खाना ओ खाना गई हूं मार बजे तो सीने लग गई चप्पल भूल गया गई हूं चली गई चली गई अरे इधर का मौसम ना भी देखिए ये बाहर से आए हैं अभी हां बाहर से आए अभी ये देखिए बाहर लग रहे थे दूर रहे थे और देख लो क्या कह रही हूं तो इनकी घूमने जाने के लिए भी तैयारी मैंने दीदी से बोल दिया था कि चली गई होगी तो ले आए अगर वो जाएगा तो भी ठीक है नहीं जाएगा तो भी ठीक है उसके कपड़े आ गए हैं तो ये हमारी अभी प्लानिंग कर रहे हैं जाने की या दोनों देख रहे हैं अपने कपड़े जिनके नए कपड़े आते हैं बहुत शौक लगता है उसके आधे घंटे बाद कोई मतलब नहीं होता कि कपड़े कहाँ पड़े हैं चप्पल कहाँ पड़ी है बस एक बार देख लेंगे दोनों की सेम चीज़ होनी चाहिए अगर नहीं है तो बस इनको लड़ाई करनी अगर सेम है तो फिर इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि हमारे लिए क्या आया है क्या नहीं आया और दीदी भी अपनी छोटी मोटी चप्पल वप्पल ऐसे ही सामान लाइए घूमने के लिए तो गाइस यहाँ पे दीदी ने मंगा लिया अपने लिए कुछ पायल उसकी पायल टूट गई थी तो सोच रही है कोई नई मंगा लूँ पायल और चुट्टी तो यहाँ पे कई सारे डिज़ाइन थे तो उसने फाइनल अभी करे नहीं दो उसे पसंद आए हैं एक ये वाले और एक जो भी मम्मी ने उठाए थे वो कड़ी वैसे होते हैं ना हाफ सर्कल और बीच में उसमें मोती मोती डले हैं चांदी के वो वाले बाकी आप कमेंट करके बताना आपको कैसी अच्छी लगी है कौन सी वाली क्या कर लिया ये तो एक वो है बीबी क्रीम है ये सनस्क्रीन है ये फेस वॉश है अच्छा एक आई लैशेस लगा फॉरएवर को लाई हो तो गाइस गुड भाई वाले सामान के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे जो हमारे नए फॉरएवर के बारे में एक लड़की खाती है पैसे तो देख रही हो तो कुछ ना बाद में फाउंडेशन लाई आ जाएगी वापस मेरे पास करी आप भाई ना जो रील्स बनाते हैं मेरी मम्मी देखती है आपको बिछुए चुप्पी मतलब हमने घर में कस्टमर थे वैसे ही पहनते हैं बिल्कुल छल्ले टाइप से टोरिंग जैसी होती है बहुत बड़ी बड़ी नहीं तो उसी टाइप की ये हैं एंटीक में है काफ़ी सुंदर है और ये है मेरी रिंग और साथ में है मेकअप का सामान मेकअप मेरे पास ऑलरेडी बहुत था पर दी ले आई क्योंकि देना ज़रूरी था तो थोड़ा बहुत सामान ले आई कुछ नेल पेंट लिपस्टिक लाइनर काजल ये क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है वो और ये है मेरा सूट येलो कलर का देते हैं तो इस टाइप का इस पर वर्क है ये लाजपत से आया था आपने देखा भी होगा उस व्लॉग में जब हमने पहले दिखा चुके हैं ऑलरेडी और अब खाने का टाइम हो गया मैं शेयर करती हूँ मसाला छाछ की रेसिपी तो यहाँ मसाला छाछ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसमें मैंने डाला है भुना हुआ जीरा काली मिर्च साथ में सफ़ेद नमक थोड़ा सा काला नमक अब डाला है इसमें चाट मसाला और इसमें डालेंगे धनिया पुदीना को अच्छे से बारीक बारीक कट करके बहुत ही बारीक कट करने हैं ताकि मुँह में अजीब से ना लगे थोड़ी सी अदरक को हमने कस के डाल लिया है और इनको अच्छे से मिला के और इसमें पानी ऐड कर देंगे तो इसको पतला नहीं रखना थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है इसमें आधे से ज़्यादा दही थी और इसमें आधे से कम मतलब बॉटल पानी डाला है मैंने
तो हो गया है डिनर टाइम, और इस टाइम तो पता ही आपको ऊपर ही खाना बनता है, तो अब सब कर रहे हैं डिनर। उसके बाद मैं शेयर करूँगी अपने फलूदा, ये जो मैंने बनाया था कल की रेसिपी आपने देखी होगी, बट आज आइसक्रीम आई थी जो कल मैं भूल गई थी, तो मैंने टूटी फ्रूटी आइसक्रीम मंगाई है। आप चाहे कोई रबड़ी फ्लेवर वगैरह भी ऐसा मंगा लीजिए, मंगा सकते हैं। तो इसमें मैंने फलूदा जो बनाया था वो डाला है, थोड़ी सी किशमिश ऐड करी है, और जो घर पे बनाई थी टूटी फ्रूटी वो ऐड करी थी। साथ में इसमें डाला है मैंने ये चंदन का अर्क ठंडे ठंडे फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आया था इससे। देख दादी क्या कह रही, देखो देख देख के खाओ, नहीं तुम मुंह देखो और दादी खाएंगे तुम मुंह देखोगे। रेडू पेडू बालक है किसी के, रेडू पेडू है। और राशि डेढ़ा टूटी फ्रूटी का टेस्ट खराब करते हुए अपने गलते उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट से हमें तो खाली टूटी फ्रूटी दे देते, बेकार में सेम पेम मिलाई हम। खाकर बताइए कैसा। कन्हैया कैसी है बिट्टू, अच्छी लगी? हेलो अमी को नहीं अच्छी लगती कोई भी चीज ऐसी? कौन सी आइसक्रीम है चाची? टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी में फलूदा। मम्मा का सही मिक्सर है। दादी, तुमने खा ली? खा ली हम सब खा रहे हैं, दादी चट करके बैठी हुई है। हम सब खा रहे हैं, दादी चट करके। दादी सब सब। तो गाइस इनकी घूमने जाने की हो गई तैयारी, और यहाँ अभी तो कुछ नहीं है, आगे दिखाती हूँ क्या क्या काम कर रही है। ये कुछ सामान ढूंढ रही थी, पूरी ये फैला दी। यहाँ इनका एसी खराब है, यहाँ एक बैग पैक है, और आगे दिखाऊँ सारी पैकिंग पड़ी है अभी ये, और गर्मियों में इनके निकल गए हैं स्वेटर जर्सी। तो इस बात का तो आपको पता चल ही गया, ये कहीं जा रहे हैं हिल स्टेशन वगैरह पे, ठंडी जगह पे जर्सी स्वेटर लेके। कितने एक्साइटेड है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर मैं कंफ्यूज भी हूँ, क्योंकि अभी भी तरह जीजा जी का फोन आया है, तो शायद हमारी जो जहाँ जा रहे थे वो जगह शायद चेंज हो रही है। तुम डेस्टिनेशन चेंज करते रहो। हाँ, तो भाई मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो कुछ पता नहीं चल रहा अभी क्या करना है। तो फाइनल तो ये बताएगी कि कहाँ जा रही है, तो जैसे कि ये कह रही कि अभी फिर से प्रोग्राम चेंज हो रहा है, क्योंकि कल से तो मैं सुनने आ रही हूँ इनके दो तीन प्रोग्राम चेंज हो चुके हैं, यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, और अब एंड मोमेंट पे अब सब कुछ निकल गए हैं, पैकिंग हो गई है, अब फिर कहीं और जा रहे हैं। चलो वो तो ये अपने ब्लॉग में बता ही देगी जाएगी कहाँ, क्योंकि मे बी ये सुबह सुबह ही निकलेंगे कल सुबह, मतलब कहीं भी जाएंगे, चाहे हम गाड़ी से जाएं या हम फ्लाइट से जाएं, हम निकलेंगे सुबह ही अर्ली मॉर्निंग। हाँ, तो फिर वहाँ का ब्लॉग ये कंटिन्यू करेंगे, अभी रात तक डिसाइड हो गया तो मैं इसी ब्लॉग में बता दूंगी आपको, इसका भरना फोड़ दूंगी, पर पता नहीं कब पहले कौन ब्लॉग डाल दे। मेरा तो कल आया कल आज दूसरा और डालूंगा। तो बैग रेडी हो गया है और मैं जा रही हूँ अपना प्री वेडिंग शूट कराने, घूमने जा रही हूँ बाहर। लोग तो प्री वेडिंग डेस्टिनेशन रेडी करते हैं, हम डेस्टिनेशन प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं। करा लो करा लो, चलते हैं और दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। जाऊँ